दोस्तों आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं सोलैंड के एपिसोड 2 में पिपरिंग के पार्ट 2 पर। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू होते हम देखते सियान लेम्पर के सिटी के बेस एरिया को, जहां पर मिलिट्री फोर्सेस अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है और उसके साथ ही साथ यहां पर 200 सोल्जर भी अपनी सप्लाई वगैरह कर रहा होता है। मगर उसके साथ यहां पर एंट्री होती है दाइमोबार उनके ब्रदर दाइवासी की, जहां पर ये दोनों आते हैं। दाइमोबार कहता है हुइडिना और सुई के स्ट्रेंथ के साथ वहां पर हमारे कैप्टन में बहुत ही इजीली एंटर कर सकते हैं। ये भी तो अच्छी बात है अगर हमारे फादर ने हमें एक लेटर भेज दिया था ताकि हम लोग अपनी कैपिटल के राउंड के 3 में रेन फोर्सेस इकट्ठा कर ले। और उसके साथ ही साथ फादर भी वापस आ रहे हैं, जिसके साथ दाइवासी कहता है जुजुएन और मैं कुछ देर बाद ही यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम अपने बारे में बताओ। जिसके साथ दाइमोबार कहता है हालांकि टैंडो एम्पर सियानलो एम्पर के बॉर्डर पर वार काफी ज्यादा कम हो गए है और अभी के लिए हमारे पास टाइम है, मगर फिर भी अभी के लिए इन दोनों बॉर्डर लाइन्स पर डिफेंसिव पॉन्स नहीं हुए है, जिसकी वजह से मैं यहीं पर रहने का प्लान बना रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ कैपिटल में उसके आर्मी को देखने के लिए तुम और जुग काफी हो। उसके साथ ही उनका बड़ा ब्रदर कहता है हालांकि हम दोनों ब्रदर्स हमें से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया करते थे, मगर अभी के लिए हम दोनों एक साथ मिलकर उन लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके साथ दाइमोबार कहता है आने वाले टाइम में हमारे पास क्या क्या इश्यू होने वाले हैं इसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं अपनी लास्ट 4 ईयर में रिलैक्स रहा हूं। लोग हमारे एम्पायर में काफी ज्यादा खुशी से जी रहे हैं, जिसकी वजह तुम हो। जिसके साथ दाइवासी कहता है ये मेरी सबसे प्रायोरिटी है कि हमारे एम्पायर में रहने वाले लोग किसी बात से परेशान ना हो। और उसके साथ ही साथ तुम लास्ट के टाइम में काफी ज्यादा ग्रेट बन चुके हो और तुम्हारे लास्ट के 4 ईयर की ट्रेनिंग काफी ज्यादा अमेजिंग है और तुम्हारा ऐसा लीडर का स्टाइल मेरे से भी काफी ज्यादा ग्रेट है। जिसके साथ ये दोनों ब्रदर्स हंसने लगते हैं और उसके साथ ही उनका बड़ा ब्रदर कहता है तुम्हें ज्यादा प्राउड फील करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम्हें ऐसा इश्यू को ओवरकम ना कर पाए तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हारी एबिलिटी इतनी अच्छी तो नहीं। हालांकि तुम सियानलो एम्पर की क्राउन प्रिंस हो, मगर फिर भी मैं अपनी पोजीशन को तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देना दूंगा। जिसके साथ दाइमोबार उसे कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं मैंने लास्ट के 5 ईयर में सी गॉड आइलैंड में गुजारा है, उनमें एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखा है। मुझे इस दिन सबके बाद मुझे इस बात का समझ आई है हमारे अलावा भी इस कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है और काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जिस पर दाइवासी उसे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर दाइमोबार उसे बताता है कि आने वाले टाइम में सियानलो एम्पायर की फ्यूचर तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। जिसके साथ दाइवासी हैरान से उसे कहता है क्या तुम्हें एम्पायर की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे इस बात का समझ नहीं आ रही। हम दोनों हमेशा के लिए लीडर के पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, जबकि हमने स्पिरिट हॉल में भी फाइट की थी। उस फाइट के बाद भी मैंने तुम्हें एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया था, उसके साथ ही साथ फादर ने भी तुम्हें क्राउन प्रिंस बना दिया था, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम आने वाले टाइम में एम्परर की पोजीशन तुम्हें जरा भी जरूरत नहीं या फिर तुम्हें उसे थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके साथ दाइमोबार उसे दोबारा से कहता है मैं इन गुजरे वक्त के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, अभी के लिए मेरे पावर से ज्यादा स्पिरिट मास्टर के पीक लेवल तक पहुंचना जरूरी है। जिसके साथ उनका बड़ा ब्रदर कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा छोटा ब्रदर सच में बहुत बड़ा हो चुका है। और उसके साथ दाइमोबार उसे कहता है मैं उस दिन का इंतजार में रहूंगा जिसे तुम सियानलो एम्पायर को और भी ज्यादा पावरफुल बना दोगे। जिसके साथ हमारे दोबारा से चेंज हो जाता है, हम लोग आ जाए शव के ऊपर, जहाँ पर जैसे एक मेंबर शव के ऊपर अटैक कर देता है शव उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेती है, मगर शव की अटैक इतना पावरफुल भी नहीं होता कि उसे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पाए, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके साथ ही कहता है क्या अटैक के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसके साथ शव उसे कहती है मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से किसी से फाइट नहीं किया तो तुम दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करो और अभी के लिए मैं वार्म अप कर रही हूँ। जिसके साथ वो मेंबर शव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शव दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं, जिसे देखते सारे मेंबर शव के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उनमें से एक मेंबर अपनी पोर्थ सॉल टेक्निक को यूज करता है, मगर इस टेक्निक स्टार्ट होने से पहले शव उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे कॉमेडी करने लगते हैं। शव उनको मजाक उड़ाते हुए उसे पूरी तरह से मारने लगते हैं और उसके साथ शव सेकंड सॉल टेक्निक को यूज करते हैं, उन दोनों को बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं और उसके साथ शव उन सबको एक एक करके हवा में बैठ देते हैं और उसके साथ ही इनकी वजह किक कर देती है, जिसकी वजह से सारे लोग जमीन के ऊपर आकर गिरते हैं। और उसके साथ शव उसे कहते हैं मैंने ह्यूमन फॉर्म आने के बाद पहले दफे फाइट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके साथ हम देखते हैं इन छोटे मोटे सोल्जर को, जिनमें से एक मेंबर कहता है मुझे ऐसा तो नहीं लगता है लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल भी हो सकती है, हमें उन हर वो एक कटा करना था तो अगर हम इसको लिए बिना वापस जाएंगे तो हम लोग अपनी जान गवा देंगे। उसके साथ ही ये बात कर रहे होता है वो पीछे देखता है उनके सारे मेंबर वहाँ से भाग चुके होते हैं, जिसे देखकर वो भी वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखते शव दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने लगते है, मगर उसके साथ ही हमें एक आवाज आती है जो की टैंक्सन की होती है, जो की इन सबको कहता है यहाँ से भागने की जरा भी मत सोचना। टैंक्सन अपनी एयर सॉल टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से शव उनके पास आ जाती है, उसे कहते हैं तुम अपने सॉल्टिन को ऑब्जर्व कर लिया है, मैं सबके साथ फाइट करके सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। टैंक्सन शव से कहता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ही शुक्रिया, ये कहते ही टैंक्सन हंसने लग जाता है। शव उसे पूछते हैं तुम इस बात पर हंस रहे हो। उसके साथ ही टैंक्सन उसे कहता है जब के वक्त मैं अपने सॉल्टिन को ऑब्जर्व कर रहा था मैं इन सबके बात सुन ली थी, तुम्हारे फाइटिंग की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर शव उसे कहते है मैं काफी ज्यादा बदल चुकी हूँ। उसके साथ शव उसे दोबारा से कहते है तुम्हारे स्पिरिट रूम को ऑब्जर्व करना स्पीड काफी ज्यादा थी, क्या तुम्हारे स्पिरिट पावर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिस पर टैंक्सन से कहता है तुम्हें परेशान होने की
कोई भी जरूरत नहीं। मैं पहले से काफी ज्यादा ठीक हूँ। मुझे जल्दी स्प्रिट रिंग को कटा करना होगा क्योंकि मॉम डैड मेरी इंतजाम कर रहे हैं। जिसके साथ हम देख विलेना और सुई को कुछ सिटीज पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ ही टैंक्सन अपनी सोल रिंग को भी कटा कर रहा होता है और उसके साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पर कम्प्लीट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।